स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अनेकों रहस्य हैं, उनमें से कई रहस्यमय चीज़ें अपने भारत में भी पाई जाती हैं। भारत देश एक बहुत ही रहस्यमय देश है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे किले के बारे में जहां पर रहस्य 1500 सालों से बरकरार है। एक किला जो पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा है, इस किले में रहस्य है। सन्नाटे को चीरती घुंघरुओं की चीख है तो कहीं तिलस्मी चमत्कार। कई खौफनाक हवेलियों और किलों के कुस्से अब तक सुने गए हैं। ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं था जहां कोई रहता हो, इसलिए दास्तान कितनी सच है कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर इस किले में वो रहती है, और साथ में रहती है उसकी घुंघरुओं की आवाज़। जी हाँ, वो जिसे मरे 1500 साल बीत चुके हैं। कभी किसी महल जैसा शानदार रहा यह किला, आज खंडहर में तब्दील हो गया है। मगर यहाँ की ज़िंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी ज़िंदा नज़र आती है। यहाँ के वीराने आज भी किसी के ज़िंदा होने का एहसास कराते हैं, और जब दिन थककर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाज़ों से टूट जाती है। कालिंजर के इस दुर्ग में काली गुफाओं के कई रहस्यमय तिलिस्म हैं। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब खामोशी हलचल होती है। दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नज़र आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक। किले की 800 फुट ऊंचाई पर पानी की धार नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बांदा से ज़मीन से 800 फुट ऊंची पहाड़ियों पर बना है कालिंजर का किला। कालिंजर दुर्ग को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म करार दिया है। बस यही वजह थी कि कदम भी बेसाख्ता पहाड़ी की ओर बढ़ चले। कालिंजर किले में दाखिल होते ही कई रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई दीं। वो गुफाएं जिसका उर तो है लेकिन छोर का पता ही नहीं चलता। यानी गुफाएं शुरू तो होती हैं लेकिन ख़त्म कहां जाकर होती हैं यह कोई नहीं जानता। गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले और घूरती बिल्लियों की निगाहें रोंगटे खड़ी कर देती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खामोशी के साथ कदम गुफा की ओर बढ़ते गए। इन अंधेरी गुफाओं के बीच ये टप टप गिरता पानी हमारे जिस्म में सिहरन पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हमारे कदम गुफा के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, रोमांच और भी बढ़ता जा रहा था। इन अंधेरी गुफाओं में चमगादड़ों ने अपना आसियाना बना रखा है। आगे की जगह को पाताल गंगा कहते हैं। इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल उस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था। किले के पश्चिम छोर पर ही एक और रहस्यमयी गुफा थी। इस गुफा में घना अंधेरा था और इसके अंदर अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थीं। कालिंजर के रहस्यमयी किले में 7 दरवाजे हैं। इन 7 दरवाज़ों में एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है, और यहाँ से निकला एक रास्ता रानी महल ले जाता है, जहाँ रात की खामोशी को घुंघरुओं की आवाज़ें तोड़ देती हैं। और इन्हीं घुंघरुओं की आवाज़ें सुनने के लिए अब हमें शाम ढलने का इंतज़ार करना था। दरअसल कालिंजर किले में मौजूद रानी महल है। एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थीं। कहने वाले कहते हैं कि आज 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क यह है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज़ दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला जाती हैं। घुंघरुओं की आवाज़ उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी को जो भी एक झलक देख लेता वही उसका दीवाना बन बैठता। कहते हैं जब उसके घुंघरू से संगीत बहता तो चंदेल राजा उसमें बंध कर रह जाते। पद्मावती भगवान शिव की भक्त थीं, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थीं। पद्मावती अब नहीं है, पर हैरान की बात यह है कि हजारों साल बाद भी आज भी ये किला पद्मावती के घुंघरुओं की आवाज़ से आबाद है। खुद इतिहासकार भी इस सच को मानते हैं। रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा
और फिर रात की खामोशी में अचानक उन्हें वही घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग फिर भी इन वीरान खंडहरों की ओर खींचे चले आते हैं। ये किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मिल्कियत हुआ करता था, मगर किले के इतिहास से अलग लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है किले में छुपे खजाने से। इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ झेली वो सब खजाने को लेकर ही हुई। अफवाहें हैं कि कालिंजर के किले में हीरे जवाहरात का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफ़ी धन दौलत रही होगी। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कालिंजर के किले पर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा। इस किले को गजनवी कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने इनसे जीतना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया, जिसका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। दरअसल कालिंजर का किला का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। रोमांच और चमत्कार से हटकर कालिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विस्पान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कालिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कालिंजर पड़ा। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक और कुंड है जिससे स्वर्गा कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर के किले में कई रहस्य हैं, तो कहीं घुंघरुओं का खौफ, कहीं तिलिस्मी चमत्कार है, तो कहीं अंधेरू गुफाओं का रोमांच। यही वजह है कि कला और शिल्प के अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। रही बात खौफ की, तो इस किले के खूबसूरती की रोशनी में बेखौफ का साया भी धुंधला पड़ता ही नज़र आता है। तो दोस्तों, ये था कालिंजर के किले से जुड़ा इतिहास। आप कभी भी जाएं तो इस किले में ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, प्लीज़